नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। बलिया जनपद में बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया में हुई जनसभा को लेकर विनोद यादव ने DRM को लिखा मांगा जवाब। विनोद यादव मानव ने DRM को दिए पत्र में लिखा है, DRM महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी दिनांक 7 सितंबर 2022 सायं 3 बजे से 8 सितंबर 2022 सुबह 7 बजे तक लगभग 16 घंटे तक बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट को मंच बनाकर अवरुद्ध किया गया था। यह रेल प्रशासन के संज्ञान में था, अगर नहीं था तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। आम जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं और परेशान जनता यह जानना चाहती है कि इसके लिए रेलवे विभाग का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, जिसके वजह से आमजन को 16 घंटे परेशानियों का सामना करना पड़ा। संक्षेप में अपना परिचय बताइए। मैं विनोद मानव, जिला संयोजक मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था। ये बताइए, आपने रेलवे DRM वाराणसी को आपने RTI के तौर जन सूचना मांगा है बिल्था और रेलवे स्टेशन के कुछ प्रकरण को लेकर, क्या प्रकरण है आपका? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूँ कि क्या रेलवे ग्राउंड के मेन गेट को या रेलवे ग्राउंड की सर्कुलेटिंग एरिया को किसी सामाजिक कार्य या किसी राजनीतिक कार्य के लिए अवरुद्ध किया जा सकता है? ये जब मैंने देखा और जनता की मैंने वहाँ समस्याओं को देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे DRM से पूछना चाहिए, क्योंकि जनता के टिकट और जनता के पैसे से रेल चलती है। मैंने जो है DRM से 5 बिंदुओं पे सूचना मांगी है कि भाई जनता जो परेशान है उसको दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि क्या रेलवे की सर्कुलेटिंग एरिया के गेट को बंद किया जा सकता है, वो भी धार्मिक प्रयोजन के नाम पे राजनीतिक कार्य करने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा और जनता की मैंने समस्याओं को देखते हुए मैंने DRM से 5 बिंदुओं पे सूचना मांगी है। पूर्व में भी मैंने एक सभा हुई थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मैंने एक बार और सूचना मांगी थी, जिसमें लगभग 2011 में मैंने मांगी थी और अब तक किसी भी प्रकार की वहां ना कोई सभा हुई तब से अब तक। यही सोचते हुए मैंने सूचना DRM से 5 बिंदुओं पर मांगा है और मैं निवेदन करता हूँ कि जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र समयावधि के अंदर माननीय DRM महोदय हमें सूचना दें, और नहीं देंगे तो मैं आगे भी बढ़ूंगा। और उसके बाद अभी तो मैंने सूचना मांगी है, एक हफ्ता में इंतजार करने के बाद आगे भी मैं पत्राचार करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि किसकी अनुमति से 16 घंटे तक रेलवे की बेलथरा रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट को 16 घंटे तक बंद किया गया था। धन्यवाद मित्रों।